रबै कृपा करो सो इतनी अगु बेनतियां प्रवान करनिया होइयां पुल्ला चुकां दी खिमा बख्शो आसीस बुलाओ फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई हरप्रीत सिंह जी ने कथा विचारा नाल आप जी ने सरवण कराया है। हुण भाई अमरजीत सिंह जी लहरा मुहम्मद तो 5 मिनट की हाजिरी भरनगे। आओ सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कौन हमारी साध संग नाम जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी साध संग नाम जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी जुग जुग टल धन धन श्री ग्रंथ साहिब जी पावन दे पवित्र हजूर अंदर हारियां भारी साध संग जी गुरु की बख्शी की फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर मन तन बसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। जिहड़ा मनुख मन दे तन दे विच परमात्मा नूं वसा लैंदा उहदी जय जयकार हुंदी आ। जिस तरह जी बाबा नानक सिंह जी ने जेकर मन दे तन विच परमात्मा नूं वसाया रब्बी स्नान रब्बी गुण वसाए तां अज जय जयकार हुंदी हो रही। गुरु ग्रंथ साहिब बाणी ने मन नूं समझाया है, मन दी गल कीती आ। मन मैला सब कुछ मैला तां जो मन अच्छा ना होए, जगत भरम पलाया बेला बुझ कोई। जिहदा मन मैला विचार मैली संगत मिले तेरा सब कुछ मैला है। भगत सूरदास जी की कहिंदे ने मन बारे, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। भगत सूरदास जी कहिंदे वी जिहड़े चुगली करदे आ निंदा करदे लोकां दा हक खांदे आ तूं उहदा संग छड़ दे। हुण आपां नजर लाईए अपने अंदर सारी वी असीं गुरु घर वी आउंदे आ, बाणी वी पढ़दे आ, फिर असीं बाणी अनुसार आपणे मन नूं चलाउंदे आ। देखो डाक्टर ब्रेन दा आपरेशन कर सकदा, दिल का ऑपरेशन कर सकता, गोड्या का ऑपरेशन कर सकता, पर अज तक कोई इहो जिहा डाक्टर नहीं होया जिसने मन का ऑपरेशन किया हो। मन का टिकाणा गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी करती है। जे असी मन निर्मल करना तां इस सिधांत अपनाउणा पऊगा। निंदा तो चुगली तो लोगों का हक जो अज जो रौला पै रहा यह भी लोगों ने हक खाने की हद पै रहा है। सब कुछ चलो आप गल करिए भी मन जो गल करने आप। अज भगत कबीर जी कहिंदे कबीर मन पंखी प्यो उड़ उड़ दे ते जाए जो जैसी संगत मिले तैस होई फल खाए। कहिंदा साडा मन की हालत पंछी तरह है, जिस तरह पंछी किते ओह दरख्त ते बह गए ओह दरख्त ते बह गया, साडा मन भी इस तरह। जद तों इह हुंदी अपनी शिकायत आम तौर ते संगत की भी साडा मन उह गुरबाणी विच टिकदा नहीं है, लगदा नहीं है, की करना है। असी बस शब्द लीए पर धन पर तन पर की निंदा इन सिमरित लागे संतो संग संत सुभागन हर कीर्तन मन जागे। गुरु जी सुनाउणा करदे हन पर धन दूजे का हक खाणा, पर तन चाहे साडी कोई भैण आ चाहे दोनों वास्ते जी, पर तन चाहे साडी कोई भैण आ चाहे साडा कोई वीर आ दोनों वास्ते, पर की निंदा इन सिमरित लागे। यह तीन काम छड़ दे तेरा गुरबाणी जी विच मन लगूगा जी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब बाणी सच्ची आ। इस तरह करो जी, मैं हाथ भी जोड़ देना वैसे सानू तुहानू बेनती कर लैना भी असीं 7 दिन करके देखी जी, किसी का हक ना खाइए किसी की निंदा ना करिए, साडा मन गुरबाणी विच लगूगा जी। तो भगत कबीर जी फिर कही गए कबीर मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर पाछे लागू हर फिरे कह कबीर कबीर। भगत कबीर जी कहते मेरा मन इन्ना निर्मल हो चुके आ भी परमात्मा पिछे की वहम हुंदा है, की कारण जी। एक मैं होर बेनती गल बस, असी सवेरे जो अमृत वेले उठाने बिरती करना हो भी जानगी दस तीने ताप निवारण हरा दुख अंदा सुखरा तां को बेना कूला के जांगी प्रभ के दास।
परमात्मा की अरदास करनी आ, हाथ जोड़ के परमात्मा तेरे भाणे दे अंदर जो चार पै रात आ वह सुख नाल बतीत हुई आ, तेरा लख लख वारी शुकराना। जो आने वाला चार पै दिन है असी किसी निंदा ना करिए, चुगली ना करिए, किसी का हक ना खाइए, तो साडा आने वाला चार पै दिन भी बतीत हो। बस इस तरह अरदास करनी जी सवेरे, फिर जे असी किसी चुगली ना करांगे ना फिर परमात्मा रोकूगा ही सानू। इस तरह ही शाम नूं जदों सौण लगदे आपां भी परमात्मा तेरे पाणे दे अंदर चार पैर जो देना सुख नित होया, तेरा लख लख वारी शुकराना। जो आने वाली चार पैर रात है वह सुख नित हो। यह ना मीर मुन दी जेल दे विच बीबियां तों लाहौर दे विच हलके दिने बच्चियां दे मास टुट टुट करके झीरके ते जांदे, नेजे डंगे जांदे, जो शाम नूं उह सोलह रहिरा साहिब पाठ करदियां, सोलह सारा पाठ करदे, उह दस करे करदे ने परमात्मा तेरे भाणे दे अंदर जो चार पैर तुहानूं जो चार पै देना है वह सुख नाल बतीत होया, तेरा लख लख वारी शुकराना। जो आने वाली चार पै रात है वह भी सुख नाल बतीत होगी। मीर मुन बड़ा हैरान भी सामने दिन इन्हां दे बच्चियां दे नेजे डंगे शहीद किए जाते हैं, पर यह भी शुकराने विच इन्हां दे भी। तो जेकर असीं अरदास करें इस तरह जी, निंदा तो बचांगे, चुगली तो बचांगे, निंदा कितनी माड़ी है, आपां मन जोग करनी है। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल तो मन की जूठन जाए। कहना पर निंदा करना तेरा मन मैल ना भर जाता, बाहरों जिन्ना मन धो लो जी, चाहे कोई रेन वाले जाए, ब्यूटी पार्लर जाए, साड़ियां भैणां भी जांदियां ने, साड़ी वीर भी जांदी है, कोई चिते मर्जी आया हो, जो मन की मैल नहीं उतर सकती जी। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल तो मन की जूठन जाए, मन की जूठ उतर नहीं सकती जब तक असीं निंदा करनी नहीं छड़ सकते। चुगली कितनी माड़ी है, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करदे आ उसका सब गया। जेड़ा मनुख चुगली करता जी, जिन्ना मर्जी मेरे को कथा कर लवे, बाणी पढ़ लवे, बाणी कंठ कर लवे, उहदा करे भला हो नहीं सकता जी। बाबा राम राय बाणी बड़ी कण सी, बहुत कण सी बाबा राम राय बाणी, तां ही अज सतवें पातशाह ने भेजा गुरु हरिदास साहब ने भी जा दिल्ली सिखी भेजे नाल, भी जो भी तेनों औरंगजेब पातशाह कोई क्वेश्चन पूछे तू उन्हों जो जवाब आ वह गुरबाणी साहब देना। सतवें पातशाह ने कह के भेजा बाबा राम राय पंच सिख भी भेजे, पर जो जैसी संगत मिले तैसो ही फलका, जो जी संगत मनुख करता वह असर जरूर होंगे। हूँ बाबा राम राय सियाणा बसेरा सी, औरंगजेब पातशाह ने विद्वान बुलाए हुए सन दिल्ली, चार दिन राम राय की औरंगजेब बादशाह नाल विचार संधि दी सांझ हुंदी रही बाबा राम राय की, ते चार दिन बाबा राम राय सच बोलता रहा, जिद्दा रहा। एक दिन सहसवा पुछ लिया औरंगजेब बादशाह ने भी जो गुरु ग्रंथ साहिब बाणी आ साडे धर्म की तहीन की आ, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कमियार लिखा भी साडे धर्म की तहीन की। हुण माड़ी संगत असर होना ही सी। बाबा राम राय कहण लगा भी जो मेरा पिता है सातवें पातशाह गुरु हरिदास साहिब बहुत प्यार करते आ, तो मैं क्यों ना औरंगजेब बादशाह नूं खुश कर देवां। बाबा राम राय कहण लगे आ ते गुरबाणी लिखिया है मिट्टी बेईमान, सिर्फ भी मुसलमान तो बेशाल गया बदलिया सीगा। जो सिखां लांगे दस्सिया सातवें पातशाह नूं भी जो तुहाडा सहजादा है बाबा राम राय सिख नाम टिड़क गया है, चार दिन सच बोलदा जिद्दा रहा औरंगजेब बादशाह बलवान बुलाए सन, हालांकि बाबा राम राय नूं सिर्फ 14 साल दी सी, जिद्दा रहा। पर एक बार कहिंदे उन्हें यह कहता औरंगजेब बादशाह भी मिट्टी मुसलमान लिखिया है, तो बाबा राम राय कहना मिट्टी बेईमान लिखा। इस करके ना बाबा राम राय देहरादून निगरान दिखा सन, पर गुरु घर के जी पहले पातशाह लैके दसवें पातशाह तक 22 साहबजादे आ। बाबा राम राय सिखिस्तान तिड़के आ, तो बाबा राम राय कल्ले बाहरों घरों बहर कढ़ता सी। देखो सियासत कितनी चीज, मैं उस दिन भी गल की लैब के उपर, अज भी गल कर रहा भी सियासत का अर्थ हुंदा काला सच। बाबा राम राय औरंगजेब पासे झूठी बुला लिया, 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੁਗਲੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਵੱਜੇ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਿਹਾ,
ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਜਾ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਬੱਜੇ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮਾਧੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂਬਰੇ ਜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਪਰ ਡਾਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੱਕ ਡਾਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਨੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੱਸਦਾ ਆ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁੰਡ ਕੁੰਡ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਬ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ।